हेलो दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून 2023 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तुला वायु तत्व राशि है और इसके अधिपति ग्रह हैं शुक्र। इस राशि के तहत जन्मे लोग काफ़ी रचनात्मक होते हैं और इन लोगों को घूमना फिरना भी बेहद पसंद होता है। इस राशि के जातकों की मनोरंजन जगत में विशेष रुचि होती है और उसी में आगे बढ़ने की इनमें प्रबल इच्छा भी होती है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। इस महीने के दौरान ये जातक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं क्योंकि छाया ग्रह राहु और केतु आपके पहले और सातवें भाव में मौजूद होंगे। आपकी चंद्र शासित राशि के सातवें भाव में बृहस्पति के स्थित होने की वजह से जून का महीना धन कमाने, घर में मांगलिक काम करने और करियर में नए अवसरों को प्राप्त करने आदि के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन राहु सातवें भाव और केतु पहले भाव में स्थित होंगे जिसके चलते आप उन अवसरों का फायदा उठाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाएंगे। केतु के पहले भाव में कमजोर स्थिति के होने के कारण इस महीने जातकों को पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन चंद्र राशि पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव होगा जिसके परिणाम स्वरूप किसी बड़ी समस्या का संकेत नहीं होगा। जून का महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य आदि के लिए कैसा रहने वाला है, आइए डिटेल में जानते हैं। कार्य क्षेत्र, इस राशि के जातकों को अपना काम पूरा करने में देरी होने की संभावना है। साथ ही हो सकता है आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि ना मिले। छाया ग्रह राहु और केतु की स्थिति अनुकूल ना हो और इसके चलते करियर में आपको उतार चढ़ाव से गुजरने की आशंका है। राहु और केतु के प्रभाव की वजह से आपको कार्य क्षेत्र में दबाव और परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा बृहस्पति के शुभ प्रभाव के चलते इस राशि के जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही नौकरी के नए अवसर भी मिल सकते हैं। इसी समय आपकी राशि के स्वामी शुक्र दसवें भाव में मौजूद होंगे, हालांकि इनकी स्थिति अनुकूल नहीं होगी। ऐसे में आपको नौकरी में उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा क्योंकि बृहस्पति शुभ स्थिति में स्थित होंगे, इस वजह से आप काफ़ी मुनाफा कमाएंगे। साथ ही व्यापार करने के नए अवसर प्राप्त होंगे जिसके चलते आपको लाभ होने की संभावना है। लेकिन इस समय आपको सलाह दी जाती है कि पार्टनरशिप में आने से बचें क्योंकि राहु आपके सातवें भाव में और केतु पहले भाव में विराजमान होंगे। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक दृष्टि के लिहाज से इस राशि के जातकों को धन से जुड़े मामलों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल दसवें भाव में कमजोर स्थिति में होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। साथ ही आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन लेने की भी आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा इस महीने बृहस्पति आपके सातवें भाव में बैठे होंगे और इनकी दृष्टि आपकी चंद्र राशि पर होगी जिसके परिणाम स्वरूप आप जो भी धन कमाएंगे उसका आनंद उठाने में सक्षम होंगे। इस माह के अंत में गुरु ग्रह के अनुकूल स्थिति में होने से आप पैसों की बचत करने में सक्षम होंगे। तुला राशि के व्यापार करने वाले जातक इस महीने अपने द्वारा किए जा रहे कोशिशों के दम पर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। प्रतिद्वंदियों को मात देने में समर्थ होंगे, लेकिन आपको पार्टनरशिप में आने से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शेयर मार्केटिंग से संबंध रखने वाले लोगों को इस महीने अच्छा लाभ होने की संभावना है। इन जातकों को मिलने वाले परिणाम ना तो बुरे होंगे और ना ही बहुत अच्छे। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो तुला राशि में जन्मे जातकों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की पूरी आशंका है। इन लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको त्वचा और पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। छाया ग्रह राहु और केतु आपके पहले और सातवें भाव में मौजूद होंगे जिसके चलते आप असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। आपके सातवें भाव में राहु के बैठे होने के कारण आपको पैसा पार्टनर के स्वास्थ्य पर खर्चा करना पड़ सकता है। साथ ही इन छाया ग्रहों के प्रभाव के चलते आपको तनाव की शिकायत भी हो सकती है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र आपके 11वें भाव में शत्रु राशि में स्थित होंगे और इसके फलस्वरूप आपको सर्दी से संबंधित समस्याएं और एलर्जी होने की भी आशंका है। हालांकि इस महीने के दौरान जब बृहस्पति आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे उस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है और इसकी मुख्य वजह आपकी चंद्र राशि पर बृहस्पति की दृष्टि हो सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो राहु के आपके सातवें भाव और केतु के आपके पहले भाव में होने से इन लोगों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ सकता है। प्रेम के कारक ग्रह के रूप में शुक्र
आपके दसवें भाव में स्थित होंगे और इनकी स्थिति आपके लिए अनुकूल ना रहने की संभावना है। ऐसे में जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ आपसी समझ में कमी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आप अत्यधिक भावुक रहेंगे, जिसके चलते साथी के साथ विवाद होने की भी आशंका है और आप शादी के बाद भी नाखुश नजर आ सकते हैं। इन जातकों को अपने पार्टनर के साथ तालमेल और आपसी समझ के कारण रिलेशनशिप में परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। हो सकता है यह महीना प्यार में सफलता हासिल करने और रिश्ते को शादी में बदलने के लिए ज़्यादा खास ना रहे। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनके बीच में आपसी समझ की कमी के कारण दूरियां दिखाई दे सकती हैं, इसलिए आपको अपने सभी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करना होगा। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में हंसी खुशी का माहौल नदारद रह सकता है, क्योंकि राहु आपके सातवें भाव में और केतु आपके पहले भाव में स्थित होंगे। इस स्थिति के कारण परिवार में विवाद होने की आशंका है, इसलिए आपको तालमेल बिठाने की सलाह दी जाती है। आपकी राशि स्वामी के रूप में शुक्र दसवें भाव में स्थित होंगे, जिसके चलते परिवार के सदस्यों में भावनात्मक मतभेद हो सकते हैं। साथ ही रिलेशनशिप के कारक ग्रह मंगल आपके दसवें भाव में बैठे होंगे, जो परिवार में समस्याओं का कारण बन सकते हैं और पूरे महीने चलने वाले इन विवादों का कारण अहंकार हो सकता है। कुल मिलाकर मंगल की इस भाव में स्थिति पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। क्या उपाय करेंगे तुला राशि के जातक? प्रतिदिन ओम केतवे नमः का 21, 41, 51 या 108 बार जाप करेंगे। प्रतिदिन ओम राहवे नमः का मंत्र 21, 41, 51, 108 बार जाप करेंगे। मंगलवार के दिन राहु के लिए यज्ञ या हवन करेंगे। ये था जून 2023 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ज्ञान की बातें।